सब कुछ है मसीह की, और परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो हमेशा हमें बार बार वचन के जरिए मिलाता है, ताकि हम लोग वचन के जरिए हम लोग वचन को बहुत आयत से सीखें और जानें और उसके अनुसार चलें और परमेश्वर के आशीष को प्राप्त करें। हालेलुया। तो मैं आज ये बताना चाहता हूं कि क्या हमारा पहचान परमेश्वर के सामने है, क्या हमारा जान परिचित परमेश्वर से अच्छी तरीके से हुई है, और यदि हुई है तो इसका मतलब है कि किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए कि वह हमारे जीवन में नहीं है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वह इसलिए भी है क्योंकि वह परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो कि वह चाहता है कि लोग किसी प्रकार का भ्रमित में ना रहे। खासतौर से हमारा पहचान प्रभु यीशु मसीह के सामने क्या है, क्या है हमारा पहचान? अय्यूब के विषय में जानते हैं, अय्यूब एक उसके एक में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सामने उनका पहचान था, लोगों के सामने उसका पहचान था, वह सीधा था, वह खरा था, वह परमेश्वर का भय मानने वाला था, बुराई से अलग रहने वाला था। क्या हमारा जीवन ऐसा है? और यदि ऐसा है तो परमेश्वर हमें पहचानता है, परमेश्वर हमें पहचानता है, और यदि परमेश्वर हमें पहचानता है तो इसका मतलब है कि दुष्ट आत्माएं की सारी शक्ति भी हमें पहचानती हैं। वह इसलिए क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जहां जहां भी जाते थे लोगों के लिए प्रार्थना करते थे तो उस घड़ी दुष्ट आत्मा उन्हें पहचानती थी और ये बोलती थी कि हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का मसीह है, तू परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, ऐसा वो कहती थी। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी यदि परमेश्वर के पीछे हम सही तरीके से चल रहे हैं और ऐसे घड़ी में हम सीधा और खरा चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मान रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन से खुश है, हम परमेश्वर का भय मान रहे हैं तो परमेश्वर खुश है, और यदि हम बुराई से अलग रह रहे हैं तो परमेश्वर और भी कई ज्यादा हमारे जीवन से खुश है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ही तो चाहता है हर एक लोगों से जो उनके पीछे चलते हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा वह प्रेम करता है। देखिए प्रेम तो सभी से करता है, लेकिन कुछ जो है जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं हर बातों से, तो परमेश्वर उन्हें ज्यादा प्रेम करता है, और सचमुच वह परमेश्वर की दृष्टि में जो है काफी अनमोल रहते हैं, और ऐसे घड़ी में वह व्यक्ति परमेश्वर से जो कुछ भी निवेदन करता है परमेश्वर उसकी सुनता है और परमेश्वर के करीब रहता है और परमेश्वर उनके कहे गए बातों को मानता है और पूरा भी करता है, अर्थात उनके मनों को पूरा करता है। हालेलुया। इसलिए जो है मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमें ये कोशिश करना चाहिए कि हम सीधा रहें, दो रंगा सियार वाली बातें नहीं कि हम एक मुंह से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसी मुंह से हम शराब भी दे रहे हैं, किसी को गाली भी दे रहे हैं, किसी को और भी कुछ बोल रहे हैं, तो एक मुंह से परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हालेलुया स्तुति गाए हम, और फिर जैसे ही आराधना करके चर्च से बाहर निकलते हैं और उसके बाद जो है गालियां हमारे मुंह से छूटने लगती हैं, गालियां छूटने लगती हैं, दूसरों की बुराई हम करते रहते हैं, उस घड़ी कहां रहता है परमेश्वर का भय हमारे अंदर? भय सब कुछ खत्म हो जाता है, परमेश्वर कहां है, कौन है, क्या है, देख रहा है, वो भी भूल जाते हैं, भय तो पूरा ही खत्म हो जाता है। जबकि अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने कहा कि वह सीधा था, खरा था, भय मानने वाला था, बुराई से अलग रहने वाला था, तो ठीक हमारे जीवन भी कुछ वैसा ही रहे जिससे कि परमेश्वर ये कह सके कि ये मेरा सचमुच में प्रिय जन है और इनमें वो सारी बातें पाई जाती हैं जो अय्यूब में पाई जाती थी।
ऐसा वो कहने पाए। वह इसलिए भी क्योंकि अगर ऐसा हम नहीं चलते हैं तो फिर हम किस तरीके का अपने जीवन को चला रहे हैं, किस तरीके के जीवन को चला रहे हैं, क्या हम शैतान को खुश कर रहे हैं या परमेश्वर को खुश कर रहे हैं। हमें चलना चाहिए किसके पीछे, परमेश्वर के पीछे या फिर शैतान के पीछे। हमें चलना है तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पीछे चलना है, क्योंकि परमेश्वर के लिए हमें काम करना जरूरी है ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से अति प्रसन्न हो। हालेलुया, अति प्रसन्न हो, ताकि परमेश्वर यह कहने पाए शैतान से भी कि यह मेरा जन है, ये सीधा है, खरा है, मेरा भय मानने वाला व्यक्ति है, ये बुराई भी नहीं करता किसी का। ऊपर से वो ऐसा कहने पाए हमारे विषय में शैतान को। और जब शैतान हमें परखे तो उस एग्जाम में हम लोग पास होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा हम अपने आप को अय्यूब के जैसा बनाएं, अय्यूब के जैसा। तो अपना पहचान होना चाहिए, अपना पहचान होना चाहिए। हालेलुया, आप पहचान बनाए अपना। हालेलुया, हमारा पहचान क्या है? इसलिए जब तक हम अपना पहचान नहीं बनाएंगे, परमेश्वर हमें नहीं पहचानेंगे और ना ही शैतान हमें पहचानेगा। इसलिए अपना पहचान मेरे प्रियो आप बनाए। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु इसमें सबसे को बड़ी आशीष दे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस घड़ी अद्भुत रीति से सबों के लिए कि पिता अपना पहचान लोग जो है आपसे बनाए, जैसा लोगों से बनाते हैं पहचान वैसा आपसे पहचान बनाने पाए और पिता आपसे लिपटे रहने पाए, जिससे कि आप कहने पाए कि ये मेरा प्रिय जन है, और आप खुश होने पाए, आप प्रसन्न होने पाए और आपकी बड़ी आशीष उनके जन ठहरने पाए। प्रार्थना यीशु नाम मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की।